जीत के बाद भी पंत नहीं है खुश, धोनी के लिए कही बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए मैच के बारे में, जहां पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली की टीम ने चेन्नई को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है। लेकिन दोस्तों इस जीत के बाद भी कप्तान ऋषभ पंत खुश नहीं है और उन्होंने अपने गुरु धोनी के लिए बड़ी बात कही है। दोस्तों आपको बताएंगे पूरी खबर, आखिर पंत ने धोनी को हराने के बाद क्या कहा है, तो इस खबर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों अगर आप भी धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2021 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शाह और शिखर धवन के धमाके से चेन्नई की पूरी गेंदबाज दहल गई। चेन्नई की ओर से मिले 189 रनों के लक्ष्य को दिल्ली ने 18.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया। शिखर और पृथ्वी ने पहले विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी की और टीम की आसान जीत की बुनियाद रखी। इसके साथ ही ऋषभ पंत ने आईपीएल में बतौर कप्तान अपने पहले मैच में 3 बार के चैंपियन एमएस धोनी पर जीत हासिल की। वहीं दोस्तों आईपीएल 2021 में एमएस धोनी की शुरुआत बेहद खराब रही। दिल्ली कैपिटल्स खिलाफ 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे धोनी खाता नहीं खोल सके। धोनी महज दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गए और उनका विकेट युवा तेज गेंदबाज आवेश खान ने लिया। धोनी का आउट होना कई लोगों को हैरान कर गया, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने दूसरी गेंद पर ताकतवर शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद बल्ले की अंदरूनी किनारा लेकर विकेट पर जा लगी। बता दें एमएस धोनी 161 दिन के बाद मैदान पर उतरे और बिना मैच प्रैक्टिस का असर उनकी बल्लेबाजी पर साफ दिखाई दिया। धोनी आवेश खान की पहली गेंद पर काफी देरी से आए और दूसरी गेंद पर उनके विकेट उड़ गए। एमएस धोनी के शून्य पर आउट होना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि ये खिलाड़ी आईपीएल में महज 4थी बार ही खाता नहीं खोल पाया है। धोनी आईपीएल 2010 में 2 बार शून्य पर आउट हुए थे। इसके बाद 2015 में धोनी मुंबई इंडियंस खिलाफ आउट हुए और अब धोनी फिर शून्य पर निपट गए। बता दें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धोनी ने 2 बार खाता नहीं खोला है और दोनों ही बार वे दूसरी गेंद पर शून्य पर आउट हुए। वहीं तेज गेंदबाज आवेश खान धोनी को शून्य पर आउट करने वाले महज दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं। उनसे पहले हरभजन सिंह ने धोनी को शून्य पर निपटाया था। पार्सन और डार्क नारेज भी धोनी को शून्य पर आउट कर चुके हैं। एमएस धोनी का शून्य पर आउट होने का चेन्नई सुपर किंग्स पर खास असर नहीं हुआ। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 188 रन बनाने में कामयाब रही। धोनी के बाद बल्लेबाजी करने उतरे सैम करन ने महज 15 गेंदों में 34 रन ठोके और रविंद्र जडेजा ने 17 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए। जडेजा और करन के बीच 28 गेंदों में 51 रनों की साझेदारी हुई और इसी के दम पर चेन्नई 188 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई। हालांकि 188 रन बनाने के बाद भी चेन्नई इस मैच को नहीं जीत पाई क्योंकि धोनी के गेंदबाज आज उनके साथ नहीं दिए। दिल्ली के ओपनर शिखर धवन और पृथ्वी शाह के विस्फोटक को चेन्नई का कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पाया। एक विकेट के लिए धोनी को काफी संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर 13वें ओवर में चेन्नई के गेंदबाज धोनी को विकेट दिला पाए। वैसे दोस्तों मैच में धोनी कप्तानी पर नजर डाले तो वे ड्रेवन ब्रावो को देरी से गेंदबाजी कराने के लिए लाए। ब्रावो ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए पृथ्वी शाह को आउट किया और 4 ओवर में 28 रन खर्च किए। अगर धोनी ब्रावो को जल्दी गेंदबाजी करने के लिए लाते तो वह ओपनिंग जोड़ी को जल्दी तोड़कर वापस पलियर भेज सकते थे। वहीं जडेजा ने भी मैच में महज 2 ओवर गेंदबाजी की। वैसे चेन्नई की खराब गेंदबाजी की वजह से ही धोनी को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं ऋषभ पंत को शानदार जीत मिली क्योंकि उनके गेंदबाज और बल्लेबाज सभी ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत दिल्ली ने चेन्नई को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों इस शानदार जीत के बाद भी ऋषभ पंत खुश नहीं है। मैच के बाद पंत ने कहा कि अपनों को हराकर कोई खुश नहीं होता है, धोनी मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है, मैं हमेशा धोनी जैसा बनना चाहता हूं क्योंकि उनमें मैच को पलटने की अद्भुत क्षमता है, वे शानदार कप्तानी करते हैं, इसलिए मैं उनका बड़ा फैन हूं और आज उन्हें ही हराकर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।